आज सूरतगढ़ में इस क्षेत्र में आप पधारे हैं, सरहदी इलाका है, मेहनत कश किसान लोगों का इलाका है, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज राहुल जी हमारे बीच में लोकसभा के चुनावों के लिए हम सबको संदेश देने के लिए आए हैं। आपकी कड़ी मेहनत से, आपके दिए हुए दिशा और निर्देशों से कांग्रेस पार्टी ने 2-3 महीने पहले राजस्थान में फतेह हासिल करी और आपकी मेहनत से, आपके सानिध्य से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं इसके लिए राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस क्षेत्र में लगातार, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, लगातार आप यहां आते रहे और यहां के लोगों को संभालते रहे। राहुल जी, ये क्षेत्र किसानों का इलाका है, यहां पर कृषि से संबंधित पूरी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। हमारी सरकार ने पिछले 2-2.5 महीनों में जो जो आपने हमें वादे करने को कहा था, कांग्रेस पार्टी ने वादे किए और बहुत कम समय में, अभी 3 महीने हुए नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने उन तमाम वादों को पूरा करना चालू किया है। चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे बेरोजगारों को भत्ते की बात हो, चाहे पेंशन को बढ़ाने की बात हो, फसल की खरीद को लेकर भी हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। और पिछली भाजपा की सरकार ने 4 साल 11 महीने कोई काम नहीं किया, जाते जाते घोषणा कर गए, लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता बनते ही तमाम अपने मैनिफेस्टो पर जो वादे किए थे उनको पूरा करने में हम लग गए हैं। आज पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, मोदी साहब और उनकी सरकार ने झूठे वादे कर सत्ता हासिल की थी 5 साल पहले। इन 5 सालों में इस सरकार ने किसी वर्ग का भला नहीं किया। पिछले 45 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही जितनी आज है। आज एक नफरत का माहौल है, टकराव का माहौल है, जहर घोला जा रहा है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है और अर्थव्यवस्था को, बेरोजगारी को, किसान आत्महत्याओं को छुपाने के लिए अलग अलग बहाने सरकार उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, काला धन समाप्त होगा, आतंकवाद समाप्त होगा, उन सारी बातों पर वो फेल हो गए। भावनात्मक मुद्दों को उठाकर, धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, इन मुद्दों को भुनाकर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है साथियों, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकार बनने जा रही है। 23 मई को जब मतगणना होगी तो देश में एक नई सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और राहुल जी, आप देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार रहिए। राजस्थान की जनता ने हमेशा कांग्रेस को प्यार दिया है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, इस लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। जो भी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी यहां से तय करेगी, हम मंच पर तमाम जो लोग बैठे हैं, मेरे सामने जो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है कि हाथ के निशान पर जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी नामांकन भरने को बोलेगी, उस व्यक्ति को भारी मतों से, 36 कौम के लोगों के समर्थन से हम उस व्यक्ति को जिताकर भेजेंगे। राहुल जी, हमारी सरकार बनी है राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आपने हमको मौका दिया काम करने का, लोगों को साथ लेकर हम चले हैं और राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी का मिशन 25 है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मिशन 25 को ये कांग्रेस पार्टी हम लोग पूरा करेंगे। ये सारी सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी और कांग्रेस की सरकार 23 मई को बनने जा रही है। राजस्थान के लोगों ने बहुत कुछ देखा पिछले 5 सालों में, जुमले भी देखे, झूठे वादे भी देखे और अब भी भाजपा के लोग माने नहीं है। हमारे सरहद पर, ये सरहद का जिला है, कांग्रेस पार्टी ने वर्दी में खड़े हुए नौजवानों के शौर्य और वीरता का हमेशा सम्मान किया और मैं कहना चाहता हूं, सरकार किसी की भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन देश की सुरक्षा पर अगर कभी आंख उठेगी तो कांग्रेस और हिंदुस्तान की जनता एकजुटता से खड़ी रहेगी और उन लोगों को ध्वस्त कर देंगे। लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, वीरता और शौर्य की आड़ लेकर अपनी नाकामियों को छुपाने का काम भाजपा कर रही है, वो कामयाब नहीं होगा। चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे किसान आत्महत्या हो, इन सब मुद्दों पर फेल होने के बाद भाजपा के पास कोई जवाब नहीं बचा है।
आज मजबूती से हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए पिछले दो तीन महीनों में उसको जनता ने पसंद किया है। 36 कौम के लोग, शहर गांव सब मिलकर राजस्थान की सरकार जो बनी है प्रदेश में, अब देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं इस मौके पर पुनः राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं, मतदान के दिन हम सब मिलकर इस हाथ के निशान के बटन को दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।